हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कुमार सोनी और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो मेरा फिफ्थ वीडियो है केमिस्ट्री का और आज के टॉपिक का नेम है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया यदि दोनों अभिकारक भिन्न भिन्न हों। तो दोस्तों, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आयुष कुमार सोनी एट 28 जुलाई 2021। एंड प्लीज़ सी दिस पिक्चर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में यदि दोनों अभिकारक भिन्न भिन्न हो, ठीक है दोस्तों। ए प्लस बी इस रिएक्ट बिटवीन उत्पाद यानी प्रोडक्ट, प्रारंभिक सांद्रता है ए, टी समय के बाद सांद्रता हो जाएगी ए माइनस एक्स, अभिक्रिया की दर डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के ए इंटू बी और डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, ए की सांद्रता ए माइनस एक्स, बी की सांद्रता बी माइनस एक्स टी समय के बाद, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद के बराबर 2.303 टी अपॉन ए माइनस बी लॉग बी ए माइनस एक्स ए बी माइनस एक्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे क्या कंडीशन लगाएंगे यदि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के सापेक्ष में अधिक होने के कारण अधिक लेने पर यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया में बदल जाती है। यदि ए की सांद्रता बी से ज़्यादा है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, मान समीकरण एक में रखने पर दोस्तों, ठीक है कि एक मान तो रखेंगे, ये ए हो गया लॉग ए बी माइनस एक्स, ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ रहा है। इस प्रकार से यदि के इंटू ए बराबर के डेस, यहाँ के डेस इस नियतांक के इंटू ए बराबर 2.303 लॉग बी माइनस एक्स। दोस्तों देखिए, तृतीय कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल के ऊपर में के डेस इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बी अपॉन बी माइनस एक्स, अभिक्रिया अभिकारक एच के साथ बी के सापेक्ष में प्रथम कोटि की अभिक्रिया में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और ऐसे ही अन्य एजुकेशनल वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माँ काली।